यहाँ बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए और मुँह अभी सब रहा कब से लेकर नहीं आया। तो बोला था कि दाल दाल करी और रोटी जितना खाना है उतना खा लो, 90 रुपये में देगा मतलब। तो मैंने चलो ठीक है, 7 को 8 को तो बोल रहा था ऐसे ही। तो मैंने चलो दाल ही रोटी खा लेते हैं, क्या करते हैं, हल्का ही रहेगा एक तरह से। कुछ ऐसा ही है, भुजिया और किराए और मसूर की दाल है और प्याज और रोटी। तो मैंने यहाँ खाना खाया पर इतना महंगा दिया ना, 90 रुपया में मैंने 10 रोटी पीटा है। बोल रहा था कि दाल के साथ रोटी फ्री, जितना खा सकते हो उतना खा लो और सामने ही टूल टैक्स है, इसको पार कर कर पार करने के बाद फिर पता ना कहाँ घुस जाएंगे, मुझे नहीं पता। इसके बाद पता ना कहाँ घुसेंगे, या तो बंगाल में घुस जाएंगे या तो मुझे नहीं किले पता है, पूछ कर बताता हूँ ठीक है। तो चलो उस पलटी चलते हैं, गाड़ी तो बहुत ज़्यादा स्पीड पे स्पीड चल रही है सर। तो चलो अब बैठते हैं गाड़ी में, या तो सोऊंगा तो सो जाऊंगा या तो जागा रहूंगा तो जागा जा रहूंगा। बहुत टाइम लगा दिया खाना देने में, पहले तो मतलब खाना लेट से दिया और फिर से रोटी भी रह रह कर दे रहा था, तो पंखा फैन चालू कर दिया कोई ना, रोटी एकदम ना एक बैगे मतलब ना कि लकड़ी हो जा रही थी, सुखा कर मतलब कड़े हो जा रही थी। और एक तरह से रोटी ना मोटा मोटा बनाया था यार, कि मतलब कि कम रोटी खाएगा। और नॉर्मल जिस जो बेचते हैं सब 5-10 में, तो वह सब पतली रोटी रखते हैं कि मैं ज़्यादा खाएगा तो ज़्यादा मेरा पैसा बनेगा। तो चलो गाड़ी में बैठते हैं। सो गए, फैन चालू करके तो यहीं चल रहा है और सो गए हैं। अब सोने के बाद फिर कुछ देर बाद चलेंगे, तब तक नीचे अंदर ही इधर ही घूमते हैं। और इधर का दिख रहा है गेहूँ अभी तक नहीं कटा है, हो रहा है एक बस कटा है तो उसका धागा छोड़े हैं, सोचते हैं कब रहा है। तो खाना खाकर मैं आकर हम और चाचा जो मतलब दोनों जन सो गए थे इसी में, और इसका केबिन छोट है ना, इसको थोड़ा सा सोने में दिक्कत हो रहा है। तो अभी गए हैं बाहर, तो आएंगे तो फिर चलेंगे तो देखेंगे कहाँ खाना खाते हैं या बताएंगे कैसे होगा। और किरण तो डूबी चुकी है, कुछ देर के बाद रात भी हो जाएगा, जैसे दिखा दूँ देख लो, दिख रहे हो पूरा किरण डूब चुका है, देख लो। तो अभी हमने इतना का बचार कर लिया है, सहजन रहा और इसमें खीरा है और भिंडी और करेली। तो ये वाला हम टूल क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि खाना वाना खा चुके हैं, खाना खाने के बाद फिर इसी टूल आगे फिर जस्ट उधर ही आते हम लोग खाना खा रहे, खाना बनाए खाने के बाद फिर अब चल रहे हैं। तो इतने में तो निकल नहीं पाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा जगह चल जाएगी यार आराम से। चलो सुबह मिलेंगे या तो रात को बहुत मिलेंगे, अब रात को गाड़ी चलेगी, सुबह पता चलेगी नहीं क्योंकि दरिया नो एंट्री हो जाता है ना इसको ऐसे।